नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज़ नए टिप्स के साथ मैं आपको मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिश्ता रहे जवां जवां, कि हमने जो अपने रिश्ते रखने हैं, और ख़ासकर आज मैं बात करूँगी पति पत्नी के रिश्तों की। कोई भी रिश्ता हो, मजबूती का बीज जो है वो समय के साथ पड़ता है, हमें उसमें खाद पानी देना पड़ता है। सिर्फ रिश्ता यूँ ही वो देने से वो सुवासित नहीं होता, वो यूँ ही फलता फूलता नहीं है। मजबूत बनाना है तो हमें चंद बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे के मन को भी समझना पड़ेगा। और जब तक हम किसी और के मन को समझेंगे नहीं तो ज़िंदगी उतनी हसीन नहीं बनेगी जितनी हम चाहते हैं। हमारे मन में फिर वही चीज़ें घर करती चली जाएंगी। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वो ना सिर्फ अपना समय बांटते हैं, अपना मन बांटते हैं, अपनी परेशानियां बांटते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, अपनी अच्छाइयां एक दूसरे के साथ साझते हैं, अपना अतीत बांटते हैं, अपना वर्तमान बांटते हैं, अपना भविष्य बांटते हैं, और योजनाएँ भी एक दूसरे के साथ मिलकर तैयार करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए प्लानिंग भी इकट्ठी करते हैं। और जहाँ प्यार होगा वहाँ थोड़ा बहुत तो खड़का दड़का लगा ही रहेगा, रिश्तों में जो है अनबन लगी भी रहेगी, और उसके बाद पर वो अनबन कितनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि रिश्ता संभालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई भी होगी, और वो लड़ाई भी नहीं है, वो विचारों का ना मिलना जो है वो कभी कभी रिश्ते को एक ढर्रे पे ला के खड़ा कर देता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे रिश्ते में जो दरारें कभी आ भी जाएं तो वो ज़्यादा लंबी ना खिंचे। और आप देखना जो रिश्तों में दरारें हैं वो हमेशा कभी भी आपके अपने रिश्तों की वजह से नहीं पड़ेंगी, वो हमेशा उन लोगों की वजह से पड़ेंगी जो लोग आपको खुश देखना नहीं चाहते। जब आप कभी लड़ाई का कारण बाद में ढूंढने जाएंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपकी लड़ाई कब और किस वजह से हुई, क्यों हुई, और रीज़न ही ढूंढने से याद नहीं आएगा। फिर कोई और नए बातें हमें दिमाग में आती चली जाएंगी, नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में आती चली जाएंगी, और हम चीज़ों को ढूंढ नहीं पाएंगे। और रिश्ते जो हैं उनको पौधों और जानवरों और बच्चों की तरह, जैसे हम बच्चे पौधे और जानवर पालते हैं, रिश्तों को पालना भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर हमें पौधे पालने हैं तो उसमें समय समय पर खाद और पानी की ज़रूरत है, इसी तरह हमें रिश्ते पालने हैं तो उसमें प्यार और समर्पण की ज़रूरत हमेशा हमेशा रहती है, रहेगी, क्योंकि उसके बिना रिश्तों में ताजगी आ ही नहीं सकती। कभी भी रिश्ते निभाते हुए अपने अंदर कोई घमंड या अहंकार ना रखें। तो आज इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि हम रिश्तों को कैसे जवान रख सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि हमें बातचीत बना कर रखनी है। रिश्ता कोई भी हो उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। हमारे रिश्तों में दिक्कत कहाँ आती है, जब हम बातचीत करनी बंद कर देते हैं। और बातचीत जब हम बंद करते हैं तो हमें सामने वाले के मन का नहीं पता लगता, हमें अपनी गलती सुधारने का पता नहीं लगता। क्योंकि अगर हम बातचीत जारी रखेंगे तो हमें अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिलेगा, और दूसरा अगर गलत कर रहा है तो उसको भी सुधारने का मौका मिलेगा। और जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बिना किसी मन में पूर्वाग्रह को रखे सामने वाले की बात को सुनना शुरू कीजिए। जब हम बात नहीं सुनते हैं तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमें रिश्ता चलाना है तो उसमें जीत हार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रिश्ता तो वो है जो समर्पण और प्यार पे चले, रिश्ता वो है जो ज़िंदगी की रफ्तार के साथ चले, रिश्ता वो है जिसे हम अपने और सामने वाले के तरीके से अच्छे से चला सके, रिश्ता वो है जो मनों में दरार पैदा ना करे। इसलिए रिश्तों में बातचीत की गुंजाइश हमेशा रखिए, कभी भी रिश्ते को इस मोड़ पर मत आने दीजिए कि आपकी जो बातचीत की गुंजाइश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए दुखदाई रहेगी, सामने वाले के लिए तो दुखदाई रहेगी ही रहेगी। दूसरा जो बात है, फैसला कभी इमीडिएट ना लें। यदि आपका कोई परिवार का सदस्य या आपका जीवन साथी आपके साथ कोई अपनी बात साझा कर रहा है, चाहे वो उसके ऑफिस की है, चाहे वो उसके दोस्तों की है, चाहे वो आपके बिजनेस की है, तो उसके साथ
कभी ऐसा ना करें कि नहीं ये तो तुम्हारी गलती की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। उसकी बात को आराम से सुनिए और वहाँ पे सलाह दीजिए, ना कि दोषारोपण करना शुरू कीजिए। कई बार हम बिना बात को जाने माने और बिना सुने दोषारोपण करने चल पड़ते हैं, तो वहाँ हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। जाने अनजाने में हम अपने जीवन साथी का मन दुखा देते हैं, तो हमें ये काम भी नहीं करना है। अपने फैसलों पे डिले रखना है। रिश्ता कोई भी हो, उसमें फैसले अगर कोई इस तरह के हों तो अपनी ज़बान पर काबू रखिए। वाणी में मिठास रहेगी तो आप बहुत सारे रिश्तों में जीत हासिल कर जाएंगे। वाणी में कड़वाहट रहेगी तो आप सामने वाले को भी पराया कर देंगे। जो आपका अपना है वो भी आपसे 100 गुना दूर करा चला जाएगा। फैसला लेने के सामने जब आप कोई फैसला ले तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात करें। इसके बाद जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाएं। आप दिन भर में कितना भी एक दूसरे से लड़ें, कितना भी एक दूसरे को दोषारोपण करें, कितना भी एक दूसरे से बहसबाजी करें, पर रात होने से पहले पहले वो मुद्दे ख़त्म होने चाहिए। नहीं मुद्दे ख़त्म हो रहे हैं तो आप खाना ज़रूर इकट्ठे बैठकर खाइए, क्योंकि जब आप खाने की टेबल पर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। खाना खाते हुए इकट्ठे आपके मन से आपका गुस्सा जो है उतर जाएगा और ये नियम आपको अपने पूरे परिवार पर लागू करना चाहिए कि भैया कुछ हो जाए, खाना सबने इकट्ठे बैठ के खाना है। फिर चाहे लड़ाई जितनी मर्जी हो, विचारों की असहमति जितनी मर्जी हो, क्योंकि जब हम खाना इकट्ठा बैठकर खाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से मन धुल जाता है, मन साफ हो जाता है। दूसरी बात, खुद को समय देने से मत डरें। होता क्या है कि जब हमारी शादी हुई और विवाह सूत्र में हम बंध गए, और किसी रिश्ते में बंधने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को समय देना बंद कर दें, क्योंकि शादी से पहले हर कोई अपने अपना पूरा ध्यान रखता है। शादी होते ही ये लगता है कि भैया अब हमें किसने पसंद करना है, पर नहीं, आप अपने लिए स्वयं टाइम निकालेंगे, कोई और आपको टाइम देने नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी, क्योंकि आप यूँ ही खिली खिली रहेंगी। परिवार का बोझ तो सबके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता, आपके ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। कुछ समय ज़रूर अपने साथ बिताएं और अपने साथी को भी स्पेस दें। कई बार हम किसी रिश्ते में बंधते हैं तो हम स्पेस देना भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि बस अब जो मिल गया वो सिर्फ मेरा और मेरा है। रखिए अपना बनाकर, पर खुद को भी समय दीजिए और सामने वाले को भी समय दीजिए। मौके का इंतज़ार ना करें। हम कई बार किसी की तारीफ़ करनी होती है तो हम मौके का इंतज़ार करते हैं, कोई अच्छा मौका आएगा तो उसका देख का इंतज़ार, उसको देख के तारीफ़ करेंगे, उसको देख के उसके बारे में कुछ कहेंगे। आप सामने नहीं बोल सकते तो एक चिट बनाइए और जाते जाते ऑफिस से घर पे टेबल पर छोड़ जाइए, अपनी पत्नी के पर्स में छोड़ जाइए, या पत्नी जाते जाते टिफ़िन में एक स्लिप डाल दे कि मुझे आपकी ये चीज़ बड़ी पसंद है। तो आप देखिए, प्रशंसा करनी सीखिए अगर रिश्तों को जवान रखना है। हम रिश्ते हमारे क्यों नीरस हो जाते हैं, क्योंकि हम उनमें प्रशंसा करनी भूल जाते हैं, हम उन रिश्तों को जीवंत रखना भूल जाते हैं, उन रिश्तों में हमेशा कंप्लेंट्स रह जाती हैं और सुधार का कहीं नाम नहीं रहता, प्यार के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो अपने रिश्तों में मौके का इंतज़ार मत कीजिए। प्यार है तो प्यार दर्शाइए, वो किसी रूप में भी दर्शाइए।